नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। सभी श्रद्धालु आज जो विषय है उस पर चर्चा करेंगे। आवाज का थोड़ा सा आप देख लीजिए तो महाशिवरात्रि अनुष्ठान के जो अनुभव है वो अपने श्रद्धालुगण उसको शेयर कर सकते हैं, और उसमें कोई समस्या आ गई हो साधना में उस पर भी प्रश्न कर सकते, चर्चा कर सकते हैं। कई श्रद्धालु कहते कि वे आश्रम आ नहीं पाते हैं, तो अमावस्या को ही आप आश्रम आने का प्रयत्न करें। आने वाले समय में हम धीरे धीरे सुविधा बनाएंगे, अधिक से अधिक समय हम आपको दे सके। तो अपने प्रश्न रखें, देवी समस्या समाधान और साधनात्मक प्रश्न रखें। कोई श्रद्धालु के ऐसे अनुभव रहे साधना के विषय में एक श्रद्धालु ने कहा कि मैं भगवती की प्रसन्नता के लिए दुर्गा सप्तशती दुर्गा चालीसा, तो आप इतना सारा न करके जो सिस्टम है पहले एक बार आप समझ ले कैसे साधना करना है। चैनल पर दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें उसके कुछ वीडियोस बने हुए हैं, तो उन वीडियो को देखे, उसमें सारा मार्गदर्शन दिया हुआ। और इतनी सारी साधना करने से अच्छा है कि एक ही साधना करे ठीक से, जैसे पहले कवच सिद्ध कर ले पहले, फिर उसके बाद शतनाम स्तोत्र का या उसका अनुष्ठान कर ले, सहस्त्र नाम का अनुष्ठान कर ले, फिर दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करें। सप्त श्लोकी कोई ऐसा विधान नहीं है, दुर्गा सप्तशती का ही पाठ करना चाहिए, तो आप एक एक चीज सिद्ध करें। कई श्रद्धालु कह रहे कि हम आश्रम आए हुए थे, अभी थोड़ा यात्रा पे चल रहे हम लोग, महाकाल उज्जैन की तरफ है, जिनको ये आश्रम आने के लिए जिनको प्रयत्न कर रहे नहीं आ पा रहे, 4 साल से प्रयत्न कर रहे, तो उनको अमावस्या को अपने पितरों के निमित्त भोजन जो रखा जाता है 6 थालियों में उसका पहले खिलाना आरंभ करें, उनको प्रार्थना करें आपके सद्गति के लिए मार्गदर्शन करें, तो ये रास्ता बनेगा।
महाकाल स्तोत्र का अनुष्ठान कैसे करे, वो सभी जानकारी दी हुई है। मैं चाहता हूं कि आप लोग महाशिवरात्रि पर जो कि जिन्होंने साधना की है वो अपने अनुभव शेयर करें। कोई साधना में समस्या आ गई हो उसी पर हम चर्चा करेंगे। कई श्रद्धालु सोच रहे हैं कि दिल्ली आए, महाराष्ट्र आए, हम सोचते हैं कि आप लोग कोई यज्ञ वगैरह कार्यक्रम रखो तो हम आ सकते हैं। किसी ने प्रश्न किया कि महाराज राजस्थान में बहुत जगह 15 साल तक के बच्चों को मरने के बाद दफना देते, उनकी मुक्ति कैसे होगी। ये सब समाज में अधर्म चल रहा है, दाह संस्कार जो हमारे सनातन संस्कृति के 16 संस्कारों में से मुख्य एक संस्कार है, उसका विधि विधान के साथ पूजन न होने के कारण या उसका विधान संपूर्ण विधि के साथ न करने के कारण जो आत्माएं होती है वो दुर्गति को प्राप्त होती है और कष्ट भुगतती है, फिर परिवार को कष्ट पहुंचाती, कई पीढ़ी तक वो प्रेत बाधा बनी रहती है। तो ऐसे समय में उनके लिए हम स्वामी रूपेश्वर आश्रम की ओर से एक नारायण बलि का एक विशेष कार्यक्रम करवाते हैं अमावस्या को, और उसमें उनकी सदगति के लिए जो विधान है, सूक्ष्म विधान है, उसके माध्यम से उनकी सदगति के प्रयत्न करते हैं। तो आप उसमें भाग ले, अथवा उनके लिए जो ना भागवत महापुराण का अनुष्ठान करें, कई श्रद्धालुओं ने शिवरात्रि को 4 प्रहर की पूजा की है और बिना भोजन के कोई समस्या नहीं आई, ऐसे श्रद्धालु के अनुभव है। और चार प्रहर की उपासना एकदम सामंजस्य पूर्ण तरीके से पूर्ण हो गई, एकदम सुबह नींद के बाद पूर्ण कार्यालय के प्रस्थान कर चुका हूँ, वास्तविक ऊर्जा का अनुभव यही है। दिग्बंधन स्तोत्र पढ़ने के उपरांत ऐसा प्रतीत हुआ कि गुरुदेव की शक्ति अब एक्टिव हो गई है, कैसे सब अनुष्ठान निर्विघ्न हुआ ये सब आप कुछ पता नहीं चला, पूरी रात्रि कैसे एक आसन पर निकल के पता नहीं चला। एक सूक्ष्म शक्ति सदा हमारे पास रहती है रडार वाली, तो ये सत्य है। कई श्रद्धालु के जैसे अनुभव है कि यदि आप कवच करते हैं, दिग्बंधन स्तोत्र करते हैं और इसका पठन पाठन करते तो विशेष इसका फल मिलता है। बस केवल एक विधान जो हमने बताया कि उनको एक विशिष्ट नियम के अंतर्गत उसको सिद्ध करना चाहिए। कई श्रद्धालुओं ने कहा कि मैं 108 पाठ करने का संकल्प लिए, एक पाठ पूर्ण करने में 10 मिनट लगते हैं, एक शब्द भी उसके शब्द भी क्लिष्ट है, परंतु रात पूरी रात बैठने के बाद सुबह 6 बजे तक सिर्फ 51 पाठ ही कर पाए। तो बाकी जो पाठ बच गए हैं आप उसके अगले दिनों में सिद्ध कर लीजिए, अथवा अगली जो त्रयोदशी आएगी किसी भी महीने की त्रयोदशी को आप उसको सिद्ध कर सकते हैं, बाकी जो बचे हुए हैं वो पाठ पूर्ण कर ले। डेली लाइफ में बिना सिद्ध किए कर सकता हूँ क्या? बिना सिद्ध किए फिर वो प्रभाव नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते हैं, आप उसका अनुष्ठान पहले करें तभी उसका लाभ मिलेगा। कुछ लोगों का ये अनुभव है कि अपनी साधना पूर्ण नहीं कर पाए, जैसा संकल्प किया फिर वो पूर्ण नहीं हुआ तो उसे कैसे ठीक करें, तो उसको अगली उसी तिथि पर आप इसको पूर्ण करें, जो अगली त्रयोदशी आएगी उसको आप पुनः बैठे और करते रहिए।
आपकी यात्रा की अपडेट दीजिए। अपडेट दे देंगे तो यात्रा ही नहीं हो पाएगी, इसलिए हम शांति से जीवन जीना पसंद करते हैं। तो अभी इसलिए अपडेट के चक्कर में नहीं है। हाँ, आप अगर कोई कार्यक्रम वगैरह रखते अपने क्षेत्र में तो आश्रम के नंबर से संपर्क करें। और हम अभी प्रयत्न कर रहे हैं कि महाकाल यज्ञ के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में एक यज्ञ करवाया जाए, और जहाँ भी ऐसे यज्ञ होंगे वहाँ पर हम आ जाएंगे। पूरे भारतवर्ष में यज्ञ का आयोजन करने का हमने संकल्प किया है, तो उसकी तैयारी चल रही है। यहाँ जिस क्षेत्र में भी जो लोग हो, और विशेषकर बजरंग बाण की भी अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो उसमें भी हम आपके उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। बजरंग बाण अभियान के अंतर्गत कोई भी आप कार्यक्रम रखते हैं तो उसमें भी हम सम्मिलित हो सकते हैं। ये जैसा हमारे पास समय उपलब्ध रहेंगे हम आएंगे। परंतु अब पाठ के साथ साथ हवन करना भी बहुत आवश्यक है। यज्ञ का यदि आप आयोजन नहीं करेंगे तो उसमें जो पाठ के कारण जो ये सब आसुरी शक्तियां है जिन पर थोड़ा सा हनुमान जी की गदा पड़ जाती है, तो ऐसे आसुरी तत्वों का संहार करने, उनको नष्ट करने, उनको भस्म करने के लिए यज्ञ बहुत आवश्यक है। राक्षस जब भी अधर्म फैलाते हैं तो वो सबसे पहला काम करते हैं यज्ञ को नष्ट कर देते हैं, यज्ञ के विधि विधानों को नष्ट कर देते हैं। देव शक्तियां जब पृथ्वी छोड़ देती हैं तो यज्ञ परंपरा नष्ट होती है। आज के समय में वही सब कुछ हो रहा है। एक तो यज्ञ हो नहीं रहे हैं, और जो यदि हो भी रहे हैं तो शास्त्र विधि विधान के साथ नहीं हो रहे, इसलिए उसके परिणाम नहीं मिल रहा है। पुरोहित वर्ग भी है, हवन कुंड का महत्व नहीं समझते। वेदी के जगह वो हवन कुंड की जगह वो तसले में या कहीं जमीन पर भूमि पर ही हवन कर देते हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। देखो, एक श्रद्धालु ने एक मैसेज लिखा है, सुनील कुमार बिश्नोई, गुरु जी बजरंग बाण हर संडे को करता हूँ आपकी हनुमान जी कृपा से। मेरे फादर ने 8 किल जमीन ली और पूरे परिवार फैमिली में मौज हो रही है, मतलब ठीक ठाक है, ये कहने का तात्पर्य उनका। किसी श्रद्धालु ने कहा कि मैं राम रक्षा स्तोत्र का अनुष्ठान 108 बार गुप्त नवरात्रि में किया और प्रतिदिन 11 पाठ करता हूँ, अब रवि बजरंग बाण में भाग सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल भाग ले सकते हैं। वैसे भी जो रविवार या बजरंग बाण में जो अभियान है उसमें जो भी सहभागी रहेंगे उनको देवी शक्तियों के साथ साथ हमारी भी जो कृपा है, जो भी देवी शक्तियां जो हमारे साथ रहती है वो भी आपके ऊपर कृपा करेगी और आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। फिर भी आप राम रक्षा स्तोत्र सिद्ध कर ले, कवच सिद्ध कर ले तो श्रेष्ठ है। ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्रों की विधि बताए, उसको भी हम चर्चा करेंगे कभी। आश्रम नंबर पर रिप्लाई नहीं आ रहा है। आश्रम का जो नंबर है 7607723230, ये नंबर सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ही चलता है। तो फिर ये रात्रि में भी लोग 11 बजे 12 बजे 1 बजे फोन करते हैं तो रिप्लाई मिलना कठिन होता है। फिर ये जो मिस कॉल रहता है तो फिर आपको कॉल बैक कर दिया जाएगा आश्रम की ओर से। पर फिर भी नियम यही है कि आप 10 बजे से 7 बजे तक आप कॉल कर लिया करें तो कॉल लिया जाएगा। गुरु मंत्र ही सिद्ध किया और कुछ बजरंग बाण या और कोई साधना करने की जरूरत है क्या? साधना करने की आवश्यकता तो है ही है, गुरु मंत्र के अतिरिक्त अन्य साधनाएं भी करना उतनी आवश्यक होती है, ये बहुत ध्यान रखें। मंत्र दीक्षा प्राप्त करने के लिए अभी वेबसाइट पर अपडेट मिलेगी इस विषय में। हाँ, अभी जो आने वाला जो मुहूर्त होगा वो होली का है,
तो होली पर्व के लिए भी एक तैयारी कर लीजिए। इस बार महाशिवरात्रि पर जिन्होंने भी अनुष्ठान किया उनको एक विशिष्ट ऊर्जा का अनुभव हुआ होगा। कई श्रद्धालुओं ने अनुभव भेजे हैं आपको, कम्युनिटी में भी हमने उसको कुछ उसके स्क्रीनशॉट्स पोस्ट किए हैं, तो अनुभव अच्छे रहे हैं। और कई श्रद्धालुओं ने 4 प्रहर की पूजा की, कोई 3 प्रहर की पूजा किया है, तो ये अनुभव है, अच्छा अनुभव है ये। भास्कर त्रिवादी, कानपुर में कब आगमन होगा? हम भाया कानपुर ही इधर उधर जाते हैं, तो आगमन होता ही रहता है, लेकिन जो कार्यक्रम के निमित्त ये सब सार्वजनिक हम करते नहीं, चूंकि यात्रा में रहता है कार्यक्रम। आप अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम करने का प्रयत्न करिए और बजरंग बाण अभियान को जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न करिए। ये केवल स्वामी रूपेश्वरन का अभियान नहीं है, ये सदैव ध्यान रखना है। समस्त सनातन धर्म, हमारा जो संकल्प है आपने देखा होगा, वेबसाइट पे अपलोड भी होगा, महाशिवरात्रि पर अनेक श्रद्धालुओं ने साधना की है। उस साधना का लक्ष्य क्या रहा? राष्ट्र का सर्वांगीण विकास हो, उन्नति हो, सभी सज्जनों को दैवीय संरक्षण प्राप्त हो, आसुरी तत्वों का दमन हो, ये सारे संकल्प हमने किए। उसमें साधक श्रद्धालुगण अपने परिवार के साथ साथ, अपने साथ साथ राष्ट्र और समाज के प्रति भी अपनी भूमिका निभा रहे। एक ऋषि की भूमिका निभा रहे, एक वास्तविक ब्राह्मण की भूमिका निभा रहे, तो वो आप दायित्व कर रहे हैं। वयम राष्ट्रयाम जागृता पुरोहिता, तो सभी जो है एक प्रकार से राष्ट्र की जागृति के लिए पुरोहित कर्म करते हैं, और इसमें सभी वर्ग के हैं, बालक है, वृद्ध है, महिला है, कोई भेद नहीं। भगवान की भक्ति आराधना करने के लिए किसी प्रकार के जो है प्रतिबंध नहीं है, जो साधना करना चाहता है वो कर सकते हैं, बस केवल जो नियम है, विधि विधान है, उसका पालन करना चाहिए। शिफ्ट ड्यूटी के कारण रेगुलरली पूजा या अनुष्ठान का समय पर नहीं कर सकते, तो आप जब ऐसी परिस्थितियां हैं तो अपनी परिस्थिति के अनुसार आप करते रहिए। जैसे एक शोभा स्वामी, इन्होंने कहा कि 3 प्रहर साधना करके सो गए, सुबह उठे तो शरीर एकदम हल्का था, लग रहा था इतने सालों से कोई कंधे पर बैठा था वो उतर गया है। साधना के दौरान भी ऐसा लगा कि कान में से कोई हवा निकल कर गई है। ये सारे अनुभव जो हैं आपके शरीर के जो दोष है, कर्म दोष है, उसके नष्ट होने के लक्षण है। कोई भी दुख है या सुख है, इसका कारण है हमारे कर्म। कर्म दोष के कारण ही ये सारी समस्या उत्पन्न होती है, और उसका समाधान है भगवान की शास्त्रोक्त भक्ति, देवी देवताओं की शास्त्रोक्त उपासना, ये समाधान है। तो अभी वही समाधान आपको प्राप्त हो रहा है, आप इसको साधना करें। महाशिवरात्रि अनुष्ठान से सभी को ऊर्जा शांति मिली है। इस बार आपने संकल्प में कुछ विशेष कृपा करी है, सबको परम सात्विकता का अनुभव है। इस बार का जो संकल्प है वो वेबसाइट पर भी अपलोड रहेगा। इस बार आश्रम पर अनेक श्रद्धालु आए हुए थे, संयोग से आज हम आए नहीं। 15-20 श्रद्धालु बाहर से, अलग अलग राज्यों से आए हुए थे, किसी एक विशेष कार्य के कारण हम थोड़े बाहर हैं। किसी ने कहा कल रात्रि मैंने 21 माला गुरु मंत्र के आज्ञा चक्र से शरीर की तरफ फड़कने लगा हल्के दर्द से। ये प्राण ऊर्जा जब भ्रमण करती है तो उसके कारण ऐसा होता है। नारायण, प्रजापति अविंद, मैंने शिवरात्रि अनुष्ठान में 8 घंटे साधना की। देखिए ये भी 8-8 घंटे साधना किए श्रद्धालुओं ने। कुछ तो श्रद्धालु ऐसे हैं जिन्होंने 12 घंटे एक आसन पर बैठकर साधना की। तो आप सोच लीजिए कि हमारे देश में कैसे कैसे साधक, कैसे कैसे उपासक
अभी भी विद्यमान है। केवल उनको एक सही मार्गदर्शन मिल जाएगा तो हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का कल्याण हो सकता है। एक सही मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, हमने बस वही प्रयत्न किया है कि आपको मार्गदर्शन प्रदान करें। और निरंतर प्रतिदिन लाइव आते हैं, आपको मार्गदर्शन देने के लिए आते हैं। तो राष्ट्र रक्षा साधना में भाग लिया, अच्छा रहा। और हम ये चाहते हैं कि जो कि आप साधना करो, उपासना करो, अपने साथ साथ अपने राष्ट्र का कल्याण हो, राष्ट्र का उत्थान हो, वो भी आपका जीवन का भाग होना चाहिए। अमोल संत, आलंदी पुणे में गुरुकुल स्थापन करने के लिए जमीन खोज रहा हूं। हाँ, अभी हमारे गुरुकुल का जो संकल्प है, अभी एक दो दिन में मैसेज आ जाएगा। हम एक ऐसा गुरुकुल बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उस पर हम लाइव आएंगे एक दिन, कि जिसमें जो भी विद्यार्थी हमारे गुरुकुल में रहेंगे उनको, उन विद्यार्थियों को महीने का 4,000-5,000 हम लोग कम से कम उनको महीने का उसमें एक प्रोत्साहन राशि, उनको दान राशि के रूप में उनको देते रहेंगे, जिससे कि संस्कृत पढ़ने के लिए बच्चों में एक प्रोत्साहन मिले। संस्कृत सीखना नहीं चाहते बच्चे लोग, कॉन्वेंट में पढ़ना चाहते, उसके बाद जाकर कहीं जाकर नौकरी करते हैं। तो हम नौकरी करने से अच्छा है कि वो कर्मकांड सीखे और समाज कल्याण हेतु आगे बढ़े, इसलिए हम उनको गुरुकुल में रखेंगे। उनको कर्मकांड भी सिखाएंगे, प्रशिक्षण भी देंगे, शिक्षा भी देंगे, सारी व्यवस्था निःशुल्क रहेगी, और साथ में उनको हम 5,000 रुपये प्रतिमाह भी देंगे। ऐसा एक प्रोजेक्ट ले रहे हैं, प्रयत्न करते हैं, देखते हैं क्या स्थिति बनती है। और यदि यह सफल रहा तो हम भारतवर्ष में प्रत्येक जिले में एक गुरुकुल की स्थापना करेंगे। 800 जिले हैं तो 800 गुरुकुल हम अपने जीवन में स्थापित करेंगे। पहले अपने आश्रम पर इसका आरंभ की हुई व्यवस्था तो बना दी है रहने के लिए, 25 से 30 बच्चों का यहाँ पर व्यवस्था हो सकती है, हम निःशुल्क व्यवस्था करेंगे। आप समझ सकते हैं कि इतने सारे बच्चों को रखना, उनको खिलाना पिलाना भोजन आदि का कितना खर्चा आएगा। तो आप लोगों का जो दान पुण्य, जो सहयोग मिलता है, मैं तो इतना ही कहता हूँ बस, केवल आप कुछ नहीं है, जितना लाइव देखते हैं 1,000-10,000 जो भी लोग हैं, यदि वो प्रतिदिन 10 रुपये के हिसाब से 300 रुपये महीने का भी देते रहेंगे, तब भी एक बहुत बड़ी क्रांति पूरे देश में आ सकती है। लेकिन क्या है, सनातन धर्म का जो वर्ग है, ये गलत जगह पर तो खूब धन खर्च करेगा, लेकिन सही जगह पर उसके उसके जेब से जो 10 रुपये भी नहीं निकलते। आरती में भी कोई आदमी देखता है कि अपने वो फटा नोट या ऐसी कुछ डालने की मनोवृत्ति, इसी कारण ये सब दुर्गति की तरफ जा रहे हैं। तो दान के लिए आप यहाँ पे लोग जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, गलत जगह पे जाते हैं, जहां से न कोई गुरुकुल चलते हैं, न कोई संस्कृति का कोई प्रचार प्रसार होता है। बड़े बड़े धनाढ्य लोग वहां पर 100-100 करोड़ रुपए दान कर देते हैं, और हम जैसे साधु को 10-10 रुपए जो है समाज से एकत्रित करके इस प्रकार के प्रकल्प चलाने पड़ते हैं। बनारस में BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई गई, तो महामना मालवीय जी ने कितना जगह जगह घूमकर दान आदि मांग कर तब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई। तो समाज के लिए ये बहुत आवश्यक है कि जो जो वास्तविक दानदाता है, उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारा दान जो है वो कहाँ जा रहा है। हम किसी भी मंदिर में देंगे तो वो वहां की सुविधा में बस ये सोचते कि आशीर्वाद मिले, कहीं से भी देवता प्रसन्न हो जाएंगे, TV पर जिसको प्रसारित कर दिया वो हमारे संस्कृति के भी नहीं, परंपरा के भी नहीं है, चादर चढ़ा दिया तो कोई चादर चढ़ाने में चढ़ा, लाखों रुपए करोड़ों रुपए दान हो रहे हैं, देखा देखी में फिर दान करेंगे कि नहीं वहां फलाना आदमी ने इतना सोना दान कर दिया, इतना करोड़ दान कर दिया तो हम कर देते हैं। लेकिन जो वास्तव में समाज में गुरुकुल चल रहे हैं, जहाँ गौ माताओं का पालन पोषण हो रहा है, ऐसी जगह पर दान दोगे तो ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, संतों का आशीर्वाद मिलेगा, योगियों का आशीर्वाद मिलेगा। भारत भूमि में योगी महापुरुष नहीं है ऐसी बात नहीं है, परंतु जब आप धर्म में रुचि लोगे तो ही वे आप पर कृपा करेंगे, अन्यथा ऐसा आशीर्वाद नहीं देगा कोई भी संत कि आप जो है दान जो आशीर्वाद ले लो और फिर आप अपना जीवन जो है विलासिता में लगा दो।
तो इसलिए बहुत छोटा सा प्रयत्न तो है, लेकिन इतना मैं आपको वचन देता हूँ, हमारा संकल्प बहुत छोटा है जैसा भी है, लेकिन ये सफल होगा। आप एक दिन देखोगे भारत भूमि में ये गुरुकुल संचालित होते भी देखेंगे, विद्यार्थी भी भाग लेंगे। आने वाले समय में ये परिवर्तन होने वाला है, जो धर्म के मार्ग पर चलेंगे वो टिकेंगे। प्रकृति अब छोड़ने वाले नहीं किसी को, क्योंकि जब जब अधर्म की वृद्धि होती है तो देव शक्तियां अवतरित होती है, और जो सज्जन है परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम, ये भगवान का वचन है, ये कभी असत्य नहीं होता। तो यदि इस समय में ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं अधर्म की वृद्धि हो रही, धर्म की ग्लानि हुई, तो भगवान भी पृथ्वी पर है और विनाश का भी उनकी तैयारी हो चुकी है, समझ लीजिए। तो आप साधनात्मक मार्गदर्शन जितना भी हमसे हो सकता है हम दे रहे हैं, जितना भी हम दान दक्षिणा आदि जितना भी लेते हैं उतना हम समाज की सेवा में ही समर्पित करते हैं। आने वाले समय में हम योजनाएं बनाएंगे, पर उद्देश्य यही है, सनातन धर्म और संस्कृति का पुनरुत्थान करना है। ऐसे साधक जो 12-12 घंटे 8-8 घंटे साधना कर रहे हैं, अब देखिए हम लोगों ने, हम वेबसाइट पर भी आपको उपलब्ध कराएंगे महाशिवरात्रि का जो संकल्प है वो किस प्रकार से है। ऐसे संकल्प के साथ कौन भारत भूमि में आज के समय में यज्ञ कर रहा है, फिर भी हमने समाज को प्रेरणा की, आज हजारों लाखों साधक तैयार हो रहे, न मैं उनको जानता हूँ न वो हमारे आते हैं, फिर भी वो साधना करते हैं, उनको लाभ हो रहा है, उनकी उन्नति हो रही है, उनको भौतिक लाभ हो रहे हैं, उनको आध्यात्मिक लाभ हो रहे हैं, आध्यात्मिक अनुभूतियां हो रही है, क्योंकि वो ऋषि मुनियों का ज्ञान है और दैवीय ज्ञान होने के कारण उनको उसका लाभ भी बराबर मिल रहा है। तो ये आप आगे इस अभियान में बने रहे, और ये जो बजरंग बाण का अभियान है, इतना दिव्य अनुभव जो अभियान है, इतने दिव्य अनुभव इस अभियान के माध्यम से हो रहे हैं, और आने वाले समय में लोगों की मजबूरी हो जाएगी, नहीं करेंगे तो ये तुमको पेट पिसाच पिसाच छोड़ने वाले नहीं है। जो पाठ करेगा वो सुरक्षित रहेगा, पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। ये बहुत आवश्यक है कि आप ये सब साधनाओं का महत्व समझे, और नहीं समझेंगे तो ये प्रकृति समझा देगी। पहले भी किसी के इन्होंने कहा कि तंत्र क्रिया की गई है, कुछ महीने से अनुष्ठान किया तो रात मिला शिव सहस्त्र नाम के अनुष्ठान किए, तब से मन उच्चाटित हो रहा है, परिवार बिना वजह झगड़े होते। तो ये मुख्य रूप से जो है पितृदोष होता है, पितृदोष के बाद ही तंत्र दोष आदि सब समस्या आती है। तो उसका समाधान ये है कि जो हमने चैनल पर मार्गदर्शन किया है, आप धीरे धीरे उसके अनुसार साधना करते जाइए, चैनल के माध्यम से जुड़ते रहिए। अनेक श्रद्धालुओं को लाभ हो रहा है, उनके तंत्र क्रियाएं, उनकी जो प्रेत बाधा है धीरे धीरे समाप्त हो रही है, कर्म दोष कट रहे हैं। आपको भी तपस्या करनी पड़ेगी, आपको भी साधना करना पड़ेगा। एक गुरु के रूप में आपके साथ, मार्गदर्शक के रूप में आपके साथ हम हैं, एक ऋषि की हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जो सनातन धर्म के जो एक आचार्य होने चाहिए उसकी हम भूमिका निभा रहे, आपको मार्गदर्शन कर रहे, बाकी साधना आपको ही करना पड़ेगा। एक ने श्रद्धालु आश्रम के माध्यम संकल्प लिया और महाकाल स्तोत्र का पाठ आरंभ किया, 3.5 घंटे लगे, इस दौरान आप निरंतर मेरे ध्यान में बराबर बारंबार आ रहे थे और 108 पाठ पूर्ण हो गया। किसी ने कहा कि मैं रुद्राक्ष माला धारण करने की इच्छा है, इसके लिए गुरु दीक्षा लेना जरूरी है, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। रुद्राक्ष माला धारण करने के लिए गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, और आश्रम की ओर से जो गुरु दीक्षा के विषय में अपडेट वेबसाइट पर दे दी जाएगा। देखिए एक श्रद्धालु ने अनुभव भेजा है कि आप जैसे सदगुरु में हमें धन्य हो गए, गुरु जी हमने शिवरात्रि में राम रक्षा स्तोत्र सिद्ध किया,
राम रक्षा स्तोत्र इन्होंने शिवरात्रि को किया। देखो शिवरात्रि है सिद्ध मुहूर्त, लेकिन सिद्ध उन्होंने राम रक्षा स्तोत्र किया, तो इसमें कोई दोष नहीं है। सिद्ध मुहूर्त में आप किसी भी देव देवता की उपासना कर सकते हैं, उसमें कोई देवता आपसे रुष्ट नहीं हो जाएंगे। और स्तोत्र सिद्ध किया और आनंद आ गया, स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। 26 जनवरी से तबीयत सही नहीं थी, और कवच किया और उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। तो देखो ये कवच भी इतना फलदायक है, और ये सारे लाइव कवच अनुभव है श्रद्धालुओं के। ऐसे जूम मीटिंग के माध्यम से भी हम कई श्रद्धालुओं के अनुभव लेंगे, फिर हम देखते हैं। जो भी आश्रम आना चाहते हैं एक बार वो आश्रम के नंबर पर अपना पहले फोन करके अनुमति प्राप्त कर ले। किसी ने कहा महाशिवरात्रि पर बजरंग बाण मां का सूत्र 108 पाठ करें गुरुदेव मेरे कंधे और पीठ में दर्द हो रहा है। तो अभी ये है कि कहीं ना कहीं शरीर में दोष है, पितृ दोष के लक्षण है उस शरीर में है। तो बजरंग बाण के साथ साथ एक कवच आपको सिद्ध कर लेना चाहिए था, और साथ में जो भी श्रद्धालु है पितृदोष के लिए जो मैं घर में जो अमावस्या को प्रयोग बताता हूँ प्रयोग करते रहे। किसी ने कहा कि आप सपने में दोपने आश्रम में वन बना महेश मर्दिनी स्तोत्र पर प्रकाश डालने कृपा कर, इस पर भी हम अभी वीडियो बनाएंगे। आज मेरा विषय यही था कि आप अधिक से अधिक महाशिवरात्रि के विषय में चर्चा करें कि उनकी साधना कैसी रही है। इस बार साधना में कोई दिक्कत नहीं, थकान नहीं लगा, बिल्कुल फ्रेश हो गया। जो भी आपने साधना करना बोला वो 4 प्रहर किया। जिन्होंने 4 प्रहर की साधना की, कभी कभी क्या होता है कि कुछ बाधा रहती है, दोष ज्यादा प्रबल रहते हैं, तो आपको चौथे प्रहर में आते आते निद्रा आ जाती है। तो उसके लिए अगली बार आप नवरात्रि में इसमें या फिर शिवरात्रि में या होली पर वही साधना आप करें, और पितृ दोष का भी समन करें, त्रिपिंड शाद आदि करवाएं। एक अहम चतुर्वेदी है, कहा कि मार्गदर्शन में अच्छे अनुभव हो रहे थे, अभी कोई साधना में आगे देखो तो जो साधना में आगे बढ़ रहे थे समस्या आ रही है, तो आप पितृदोष का शमन करें, साथ में आहार विहार पे ध्यान दें। अधिकांश जो साधना करने वाले के बाद साधना में जो बाधा आती है वो आहार विहार के कारण आता है। कब किसी भी गलत जगह पे आपने गलत व्यक्ति का भोजन कर लिया तो उसके दोष या उसकी जो सूक्ष्म शक्ति है वो आपके पीछे पड़ जाती है। तो ऐसे समय में आपको पहले पितृदोष का शमन, फिर उसमें प्रतिदिन पूजन में आप षटकर्म का विधान आप पाना चाहिए, रक्षा कवच आप सीखिए। रक्षा कवच से आपको विशेष उन्नति होगी। अनिल गुप्ता, वो एक बैठक में न नींद आई न शरीर में कोई दर्द, सब संभव हुआ एक ही बैठक में। एक अनिल गुप्ता जी का ये संदेश जो है मैसेज है, इन्होंने पूरा पाठ किया और ना इनको नींद आई और ना शरीर में कोई दर्द ना कोई थकावट।
ये ऐसे ऐसे साधक हमारे देश में है। और मुझे देखिए सबसे बड़ी बात बताता हूँ, मुझे शिष्य बनाने में ज्यादा रुचि नहीं है, आप साधक बनिए, मार्गदर्शन प्राप्त करिए। हम अपनी तरफ से जितना मान ज्ञान है, जितना हम आपको दे सकते हैं, वो सब दे देंगे। शिष्य का क्या होता है, शिष्य के जो बंधन होते हैं, गुरु भी बंधन में, शिष्य भी बंधन में। और जब आपकी ऐसी स्थिति बने कि नहीं बिल्कुल आपको गुरु उस परम तत्व तक पहुंचना है, तो आपको फिर आपके इष्ट ही आपको श्रेष्ठ गुरु प्रदान करेंगे। पहले इष्ट की उपासना करो आप। मैं बार बार यही समझाता हूँ कि आप अपने इष्ट की आराधना करो। इष्ट पता नहीं है तो जिनको जिनके प्रति प्रेम है, लगाव है, उन्हीं की उपासना करो। सब देवता एक ही परमात्मा के स्वरूप है, आपकी भावनाओं से ईश्वर तक पहुंच जाती है। ईश्वर तो एक ही नहीं कि एकम सत्य प्रभुदा वदन्ति, एक ही सत्य अनेक रूप है उनके। किसी भी रूप की आराधना करोगे, और गंगा जी तो एक ही, आप किसी भी घाट पे ना होगे तो डुबकी तो गंगा जी में लगेगी ना, गंगा स्नान का ही फल मिलेगा। तो ऐसे ही देवता के स्वरूप अलग हो सकते हैं, लेकिन परम तत्व एक ही, परम तत्व एक ही है। इसलिए पहले अपने इष्ट की उपासना करें, साधना करें, और फिर उसके बाद वो वही इष्ट आपको श्रेष्ठ गुरु की उपलब्ध कराएगा। वैभव अग्रवाल का अनुभव है कि बहुत अच्छा अनुभव हुआ, मन को शांति मिली। कौटिल्य, आपकी कृपा से मैंने शिवरात्रि में बजरंग बाण 108, काली कवच 108, महाकाल स्तोत्र 11 पाठ, काल भैरव स्तोत्र 11 पाठ, पीतांबर स्तोत्र 11 पाठ किया, बहुत आनंद मिला। ये जो आपका तप है वो आपके साथ में है। किसी का राम राम जब अपने हेल्थ का ध्यान भी रखे। हमारी हेल्थ ठीक है, आप चिंता न करें। शरीर जो होता है वो बाहर से नहीं, भीतर से सही होना चाहिए। हमारा शरीर ठीक है, स्वस्थ है, हम स्वस्थ भी है, मस्त है। बस थोड़ा शांत हो जाता है मन, एकांत में आ जाते हैं, शांति मिलती है, थोड़ा सा मन वैसा रहता है। तो शरीर से हम थोड़ा सूक्ष्म शरीर की तरफ चले जाते हैं तो बाहर के शरीर पर ध्यान कम चला जाता है। तो ये ज्यादा खूब खाए और शरीर को पेट फुला के रहे, वो साधु महात्मा वो वैसे नहीं है। हम तपस्वी साधु है, तपस्या वाला शरीर है। मुझे महाकाल सूत्र का अनुष्ठान कब से प्रारंभ, शिवरात्रि का अनुभव बहुत ही तीव्र। आप किसी भी प्रतिपदा से, अष्टमी से, नौ आप जो है, या त्रयोदशी से आप अनुष्ठान आरंभ कर सकते हैं। नहीं कुछ समझ में आता, किसी भी सोमवार से आरंभ कर दें।
महाकाल साधना के लिए रात्रि का ही समय ठीक है। शिवलिंग का प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं? खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ऐसा कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? पिशाच बाधा है तो क्या करना चाहिए? पहले पितृ शांति, त्रिपिंड श्राद्ध आदि सब पहले करें, और उसके बाद जो भी आपके घर में अकाल मृत्यु के प्राप्त उनके नवनिवृत्त नारायण बलि करें, फिर ये सब समाधान हो जाता है। चलिए, ऐसे अनुभव कई श्रद्धालुओं के अनुभव तो रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि जो साधक धर्मपरायण है उसका वस्तुत्व सिद्ध कर चुके, आश्रम को अपना सहयोग भी देते हैं किंतु कारण आश्रम आने में असमर्थ, उनके लिए दीक्षा शिविर के समय ऑनलाइन मंत्र दीक्षा की प्रयत्न कृपा करें। तो अभी तो ऑनलाइन दीक्षा देते ही थे, अभी कुछ समय से हमने थोड़ा बंद कर दिया था, अभी आरम्भ करेंगे। मंत्र दीक्षा का सब आरम्भ होगा, आप थोड़ा सा वेबसाइट वेबसाइट का देखते रहिएगा। और ये जो श्रद्धालु हैं, ये जो प्रश्न आ रहे हैं श्रद्धालुओं के, इनको जो लाइव में सेवा देते हैं वो उनके प्रश्नों के छोटे जो भी सामान्य प्रश्न, उनको उत्तर दिया करें। एक पंखुरी 01 है, इन्होंने अनुभव भेजा है कि आपकी कृपा से शिवरात्रि के चारों प्रहर की पूजा पूर्ण हुई। आपका ध्यान करने से नवीन ऊर्जा प्राप्त होती रही। आपकी कृपा दिव्यता का हमारे सुन अमूल्य है। अच्छा, ये सोनम मेरठ से है, इनको आश्रम कहाँ है? ऐसे छोटे जो प्रश्न आ रहे हैं इनके उत्तर जो है, जो भी श्रद्धालु है जो थोड़े सेवा करते हैं वो उनके उत्तर दिया करें। एक श्रद्धालु का अनुभव है महाराष्ट्र से कि 7 महीने में उन्होंने साधना कर रहे कि तीनों प्रहर में नींद नहीं आई और एक बैठक में ही साधना कर ली। 9 घंटे वो एक बैठक में बैठे रहे। तो 7 महीने के अभ्यास से जो बजरंग बाण आदि अनुष्ठान करते हैं उससे शरीर शुद्ध होता है। नकारात्मक तत्व आपको साधना में बैठने नहीं देते, प्रेत तत्व राक्षसी तत्व आपको पूजा करने नहीं देते। तो पहले इनको गदा लगा के, पहले इनको स्वच्छ, इनको पहले अपनी सही जगह पहुंचाइए, तब आप ये सारी साधना कर पाते हैं। अभी श्रद्धालु देखिए, दिनेश एम करके लिखे हुए, इन्होंने अनुभव कि 7 महीने से ये अभियान से जुड़े या साधना कर रहे हैं और अब इन्होंने 3 प्रहर की साधना एक बैठक में की और कोई नींद भी नहीं आई। तो ये साधारण बात नहीं है, अच्छे अच्छे तपस्वी साधु नहीं कर पाते आज के जो समय में, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत साधारण बात नहीं है। तो ये जो इनको अनुभव आ रहे हैं, ये जो साधना कर रहे हैं, ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इनके अंदर की जो नकारात्मकता है वो कहीं ना कहीं कम हुई है, नष्ट हुई है। किसी ने कहा कि मेरा सवाल का जवाब जरूर देने, कृपा करें। मेरा कृष्ण और राम जी में इक्वली भाव है, मैं किसकी उपासना करूं, किसी एक को पकड़ू? आप किसी एक मंत्र की, आप किसी किसी संत या गुरु से दीक्षा ले लीजिए और अपने मन को स्थिर कर लीजिए। कहीं भी दोनों एक ही है, साधना एक ही है। अब मान लो कि दो घाट पे, आप गंगा जी के दोनों घाट पे खड़े हो, अब इस घाट पे ना हो या उस घाट पे ना, इसी चक्कर में क्यों पड़ना? जिस घाट पे खड़े हो उसी में डुबकी लगा लो, तो डुबकी तो गंगा जी में लगेगी। ऐसे ही सब राम जी और कृष्ण सब एक ही है,
तो आप कोई भी एक भाव बनाकर साधना करें। नहीं समझ में आए तो ऑनलाइन में भी आप जो है इसमें हम आपका सहयोग कर देते हैं। तो उसमें एक जो मंत्र साधना शिविर वगैरह उसमें आप उसमें भाग ले लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उससे एक मन स्थिर हो जाता है। मंदाकिनी रॉक, हालांकि मैंने अमोघ शिव कवच 108 पाठ के बदले पूरी रात में 51 पाठ ही हुए, लेकिन सुबह बहुत शरीर बहुत हल्का और मन प्रसन्न लग रहा था। तो शरीर का हल्का होना, मन प्रसन्न होना, ये आत्मा के जो दोष नष्ट होते हैं, जीवात्मा के दोष दोष नष्ट होते हैं, शरीर स्वस्थ होता है। क्योंकि शरीर स्वस्थ नहीं कि मन प्रसन्न भी होना बहुत आवश्यक है। आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति की व्याख्या जो की गई है कि जिसके शरीर में कोई दोष नहीं है, मन प्रसन्न है, चित्त स्थिर है और आत्मा अपने आत्मस्वरूप में स्थित है, तो स्व में स्थित को ही स्वस्थ कहते हैं। स्वस्थ, स्व में स्थित होना, आत्मा में स्थित होने को स्वस्थ होना कहते हैं। अब क्यों शरीर स्वस्थ हो गया उससे नहीं, मन भी प्रसन्न रहना चाहिए। अशांत से कुत सुखम, अशांत व्यक्ति में फिर कहाँ सुख मिलेगा। तो मन का प्रसन्न होना बहुत आवश्यक है। तो ये कवच और साधना पाठ करिए, यही मार्ग है। बाकी बाकी दूसरे जो मार्ग, इधर उधर घूमना फिरना, ये सब चीजें अंत में थकावट देती है। अंत में आपको शांति मिलती है जब भीतर हम आते हैं। जो भी श्रद्धालु है जो सेवा देते हैं आश्रम के लाइव में, वे इसमें लाइव में कमेंट में श्रद्धालुओं के प्रश्नों के उत्तर दे। केवल एक रमन दास जी लगे हुए, बाकी शांत बैठे हुए हैं। और जिनके ये कोई भी प्रश्न हो तो आप 7607233230 पर, जो भी आश्रम से संबंधित सेवाएं हैं या जानकारी चाहिए, इसी नंबर पे भेजा करें। एक चंदन से ने बताई, उसे इन्होंने कहा है कि मेरे घर में भी समस्या है, तो ये बस पहले पितृ दोष का समन करें। सबसे पहला काम ये करें, कवच करें, फिर बजरंग बाण पढ़े। बजरंग बाण पढ़ने से फिर सीधे सीधे रास्ता मिलेगा। कई श्रद्धालु जो सेवा में लगे रहते हैं वो लाइव सुनते रहते हैं, प्रश्नों के उत्तर नहीं देते, फिर प्रश्नों में ही लगे रहते हैं कि चलो गुरु जी का सुनते रहे। ऐसा नहीं, सेवा करते रहे आप, सुना खूब, जीवन भर सुनते रहोगे, लेकिन सेवा भी करना। क्योंकि जो नए श्रद्धालु आए हैं, नए साधक जुड़ रहे हैं, तो उनको मार्गदर्शन करना वरिष्ठ साधकों का दायित्व तो बनता है। जैसे हमने साधना की, आज हम आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो आपने साधना की, आप दूसरों को मार्गदर्शन करें। तो इस प्रकार से हम लोग ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। आज हमने आप सभी के प्रश्न पढ़ लिए हैं, देख लिए हैं, लगभग जो भी लाइव में जुड़े वो आज गो लाइव टुगेदर नहीं लिया हमने, व्यक्तिगत रूप से भी आपके प्रश्नों का उत्तर आज दे रहे हैं। जो भी साधक साधना से संबंधित कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर ले।
एक उपासना सिसोदिया है, इन्होंने एक अपना अनुभव भेजा है। मैं 2 रात्रि से जगी हुई थी, लेकिन आपके आशीर्वाद से महाशिवरात्रि पर 108 बजरंगबाण पाठ, 108 काली कवच, 108 महाकाल स्तोत्र और 108 काल भैरव अष्टक किया। जब भी नींद आने को हुई, 2 रात्रि से जगी हुई थी, फिर भी उसने ये अनुष्ठान किया। ये जो आपको आध्यात्मिक ऊर्जा है, ये आपको जो प्राप्त हो रही है, इसमें आप लाभ उठाइए। एक एम दिनेश है, इन्होंने एक अनुभव लिखा है। गुरुजी आपने सही कहा, बजरंग बाण आप शरीर की शुद्धि करता है, जिससे आपके साधना के आगे के मार्ग खुलते हैं। 7 महीने पहले मैं साधना में बिल्कुल जीरो था, और ये जीरो थे, और अब ये 9 घंटे एक बैठक में बैठे रह गए। तो बजरंग बाण जो कहते हैं ना, हनुमान जी की जो हम चालीसा पढ़ते हैं, तो कहते हैं बल बुद्धि विद्या देवो, हनुमान जी जो है आपको बल और बुद्धि प्रदान करते हैं। तो इसलिए जो भी ये राक्षस तत्व होते हैं, जो भी आसुरी तत्व होते हैं, ये हमको अध्यात्म में आगे बढ़ने नहीं देते, ये साधना में आगे बढ़ने नहीं देते हैं, ये साधना नहीं करने देंगे। आलस पैदा कर देंगे, तमस पैदा कर देंगे, कलह उत्पन्न कर देंगे। तो पहले इनको भगाओ। जैसे घर में अगर गंदगी हो तो हमें झाड़ू लगानी पड़ती है, साफ सफाई करना पड़ता है, तब हम भोजन करते हैं या सारे वहां पर कर्मकांड करते हैं। ऐसे ही जिन घर में प्रेत बैठे हो, असुरी तत्व तो बैठे हो, तंत्र दोष हो, पितृ दोष हो, तो वहां पर फिर साधना करने का मन नहीं करेगा। तो जहां आप साधना कर रहे हो, 2 घंटा, हम लोग आज एक समय था कि हम सनातन धर्म का प्रत्येक अनुयायी त्रिकाल संध्या करता था, तीनों कालों में हम साधना उपासना करते थे, और आज जो है वो उपासना नहीं कर पाते। तो वो जो स्थिति है इन्हीं प्रेत तत्वों के कारण बनी। तो तमस बढ़ने के कारण तामसी तत्व बहुत ज्यादा अधिक बढ़े हुए हैं, इनका समापन करना है, इनको समाप्त करने का दमन करना है, इन्हें नष्ट करना है। तो बजरंग बाण का अनुष्ठान आप करिए। आरंभ में थोड़ी कष्ट हो सकते हैं, मैं आपको ऐसा भी नहीं कह रहा कि ये सब समस्या थोड़ी बहुत नहीं आएगी, आएगी, युद्ध है, क्षेत्र है, ये ऐसा ही कुरुक्षेत्र ही है, तो आपकी रक्षा भी होगी और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, अध्यात्म में आगे बढ़िए। यदि आप जीते जी इन प्रेत तत्वों से मुक्त नहीं हुए, तो मृत्यु के बाद भी आपको प्रेत योनि में ही ले जाएंगे, या आपके साथ 24 घंटे लगे हुए हैं। तो इनको इनको भी सद्गति करनी है, और अपनी भी सद्गति करनी है। अभी कई श्रद्धालुओं ने मुझे, एक दो श्रद्धालुओं ने मुझे एक वीडियो भेजा, उत्तराखंड में कुछ लड़कियों के सामने कुछ प्रेत शरीर में आ रहे, खिल रहे, कूद रहे, चिल्ला रहे, कह रहे मंदिर बनाओ हमारे लिए, मंदिर बनाओ हमारे लिए। अब इन प्रेतों के लिए मंदिर बनाया जाए? इन्हीं प्रेतों ने जगह जगह पे ऐसे स्थान बना दिए हैं, किसी के सपने में आकर के नहीं, मेरे लिए स्थान बनाओ, थान बनाओ प्रेत, और इस तरीके से ये बैठ रहे।
ये सारी चीजें समाज में हो रही है। इसका समाधान ये है कि हम सात्विक देवता की उपासना करें। बजरंग बाण आप पढ़िए तो वहां पर जब बाधा ही नहीं होगी वहां बजरंग बाण में समस्या ही नहीं आएगी। आप लोग पढ़ रहे अनुभव है, 108 बजरंग बाण पढ़ रहे, तो ये कैसे पढ़ रहे, इनको क्यों समस्या नहीं आ रही, क्यों इनके पीछे शपथ लेकर हनुमान जी इनके पीछे, इनको क्यों नहीं हनुमान जी प्रकट होकर गुस्सा करते हैं कि नहीं तो बजरंग बाण मत पढ़। तो बजरंग बाण मत पढ़ ऐसा भाव अगर मन में आता है या ऐसा कोई भाव बनता है कि नहीं बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए, इसमें शपथ दी हुई, ऐसे कोई तर्क उतर मन में आते हैं, तो निश्चित रूप से आप राक्षस या किसी असुर तत्व के द्वारा आपका मन मस्तिष्क ग्रसित है, ये आप मानकर चलिए। और समाधान भी वही है, बजरंग बाण पढ़े, सब समाधान उसी से आ जाएगा। काल भैरव अष्टक पर प्रकाश डाले, काल भैरव अष्टक पर वीडियो बना हुआ है, कहते कि गुरुदेव का जो रुद्रमाला से 108 हम करते उसका सारा पुण्य जो इंद्र देवता मिलता है, सब मूर्ख लोग हैं। भय का भय उत्पन्न करते समाज के अंदर, एक मंदा की निरोक है, इन्होंने कहा कि मैं विज्ञान की शिक्षिका हूं और आज आपके स्वास्थ्य की परिभाषा से मुझे एक नया ज्ञान मिला। तो गुरु के चरणों में ही वो ज्ञान मिलता है जो शिक्षिका को भी शिक्षा देता है। संत और गुरु महापुरुष ऐसे होते हैं भारत भूमि में जो अच्छे से अच्छे पढ़े लिखों को भी पढ़ा देते हैं, वो धनवानों को भी जो है आशीर्वाद दे देते कि भाई जा, और उनके यहाँ पहुंचते भी मांगने के लिए आशीर्वाद। तो अच्छा है कि आपने उस ज्ञान को समझा। वास्तव में जो भौतिक विज्ञान है वो शरीर तक सीमित है। आप आयुर्वेद पढ़ेंगे, आयुर्वेद में देखिए स्वास्थ्य की क्या व्याख्या है, स्वास्थ्य की क्या व्याख्या है, तो यही है शरीर मन चित्त और आत्मा, इन चारों का स्वस्थ में स्व में स्थित होना, अपने अपने स्वरूप में स्थित होना, वात के पित्त कुपित आदि न होना, वो अपने स्व में स्थित रहे, मन अपने जगह स्थित रहे, चित्त शांत रहे, मन प्रसन्न रहे, तब ये माना जाता है कि शरीर आत्मा स्व में स्थित है। प्रसन्न चित्त सो यहा सो बुद्धि पर्यवतिष्ठति, भगवद गीता में लिखा है कि जो जिनका मन होता है प्रसन्न रहता है उसकी बुद्धि अपने आत्मज्ञान में अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाती है। एक बात ध्यान रखना है, यहां पर कोई समाधान किसी समस्या का समाधान नहीं है, यहां पर केवल मार्गदर्शन दे रहे हैं, साधनात्मक मार्गदर्शन है, अनुभव को ले रहे हैं साधकों के, ताकि आपके अनुभव सीख कर आप कई साधकों के अनुभव से ही एक प्रेरणा मिले। एक तीन बजरंग बाण किया, दूसरों को लाभ हुआ, दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। मुझे तो पता भी नहीं है कितने लोग इसमें ऐसे हैं जिनका, तो मुझे 1000 में तो मैं 10 लोगों का ही नाम जानता हूँ समझ लीजिए, या जो परिचित होंगे विशेषकर, जैसे कभी व्हाट्सएप या आ गए, कभी आश्रम वगैरह आ गए, बाकी तो सब ऐसे ही है जो अपने अपने घरों में बैठकर ज्ञान प्राप्त कर रहे और साधना का अनुभव कर रहे हैं। आपका ज्ञान है, आपके ऋषि मुनियों का ही ज्ञान है, आपके धर्मशास्त्र का ज्ञान है, बस आप तक पहुंचाने की मैं सेवा करता हूँ, ये आप समझ लीजिए। तो इसका आप लाभ आपको उठाना है, और ये भी नहीं सोचना है कि सरलता से मिल रहा है तो ये कम मूल्य का है, महत्वहीन, ऐसा नहीं है। ये जो अवसर है ना, गंगा जी जैसे हमारे अंदर द्वार से गुजर रही हो तो जो उसका महत्व नहीं समझते फिर पछताते हो जीवन भर। तो आपको जो साधना मार्ग मिला है, ये सहज में मिल रहा है, तो इसको आप लाभ उठाइए, इसको जितना हो सके अपने जीवन को सुरक्षित कर लीजिए। आने वाला समय, आने वाले समय की जो स्थितियां हैं वो अच्छी नहीं रहेगी,
और आपका जीवन भी सार्थक हो, इसके लिए आवश्यक है कि आप इन सब साधनाओं को अपने जीवन में उतारें। एक श्वेता कुमारी का जो प्रश्न है, ये सब आपके घर के जो समस्याएं हैं वो पितृदोष की हैं। आप आश्रम के नंबर से संपर्क करिए, आपको वहां से मार्गदर्शन मिलेगा, पितृदोष का समाधान आप करें उसमें। कृष्ण पूजा में बैठने का आसन कौन से कपड़े का होना चाहिए? आसन ऊनी आसन होना चाहिए, कंबल का आसन होना चाहिए। चलिए, कई अनुभव आए आपके। एक अमृता सिंह भी आई, आपकी कृपा से शिवरात्रि पर मैंने ऋषि उदक बंधन के 500 पाठ किए, 108 बजरंग बाण, 100 काली का वज, 108 महाकाल स्तोत्र, 15 काल भैरव अष्टक किए। पहली बार शाम 7 बजे से सुबह 4 बजे तक बैठ पाई। ये सारे अनुभव नोट कर लीजिए। ये अनुभव ऐसे अनुभव है जो एक सरल साधन। अब अमृता सिंह जी को कौन है, कैसे अपने जन पर चरण से जुड़ी होगी और मार्गदर्शन मिला। और सबसे पहले मैं बोलता था कि भाई आप कवच करो, दिशाओं को बांधो, दिग्बंधन करो। इन्होंने देखो 500 पाठ दिग्बंधन के किए। कई श्रद्धालुओं के ऐसे अनुभव आए कि उन्होंने दिग्बंधन स्तोत्र करके तब पाठ किया। यार कोई कवच सिद्ध कर लो। कवच से केवल आप को केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं मिलता है, भौतिक लाभ भी बहुत होता है। जीवन में कभी संकट आने वाला हो, कोई जैसे एक्सीडेंटली कोई स्थिति बनती है, वहां चीजें एक्टिव होकर रक्षा करती है। तो इन्होंने देखिए 7 बजे से 11 बजे तक बैठ गई। तो हमारे जो रक्त में, जो भी सनातन धर्म के अनुयायी है, हम सभी के रक्त में हमारे ऋषि मुनियों का अंश आज भी, वो प्रभाव आज भी है। हम सब ऋषि मुनियों की संतान सभी। ये कोई जाति विशेष और ये सब चीजें तो सब व्यर्थ की है। यदि शास्त्र के मूल में जाएंगे तो सब ऋषि मुनियों के ही संतान है। सृष्टि के आरंभ में 9 ऋषि उत्पन्न हुए, 9 ऋषियों से ही सारी मनुष्य जाति उत्पन्न हुई। वही ऋषि ही सब सबके उन्हीं के अंश है। तो उनके अंश होने के कारण और आत्मा का अंश, आध्यात्मिक यदि आपके अंदर रुचि है तो निश्चित है कि आप देवगण से हैं, आपके ऊपर देवी कृपा है, आपको अपनी साधना को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस तरीके से आप अभ्यास कर पाए ये बहुत प्रसन्नता का विषय है। और ऐसा प्रयोग करिए, दूसरों से सीखिए। मैं चाहता हूँ कि जो चैनल पर अन्य भी साधक हैं और ऐसे जो वीडियोस बन रहे हैं उसको थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बनाकर इसको शेयर करिए अनुभव को, कि दिव्य अनुभव है। महाशिवरात्रि काल के जो अनुभव हुए हैं कि साधकों के, ये बहुत दिव्य अनुभव है। ये साधारण बात नहीं है कि ऐसे साधक कर रहे हैं। ये आपको चीजें ऐसे स्थान पे पहुंचा देगी, ये जो साधनाएं हैं ऐसे स्थान पे पहुंचा देगी आप सोच विचार नहीं कर सकते। आपने शिव महापुराण में पढ़ा होगा कि उस व्याध ने अज्ञानवश केवल एक चार शिवरात्रि की शिवरात्रि को भगवान शिव जी की 4 प्रहर में पूजा की और उसका परिणाम क्या निकला अगले जन्म में। तो इस जन्म में जो प्रारब्ध हुआ, जो भी आपको मानव शरीर मिला, जो भी कर्म भोग हो गया वो तो है, लेकिन शरीर छूटेगा और जाता से ध्रुव मृत्यु, जन्म लिया है तो मृत्यु होगी, और ध्रुव जन्म मृत्यु सच, जो परंतु जो अगला जन्म होगा वो दिव्य होना चाहिए, श्रेष्ठ जन्म होना चाहिए। अब मनुष्य योनि में जन्म नहीं होगा, किसी भी देव योनि में जा सकते, देवलोक में जा सकते, किसी भी जहां भी जाएंगे वो श्रेष्ठ होना चाहिए। नहीं तो जो आज की परिस्थितियां हैं, सब प्रेत योनि में जा रहे हैं, सब आपके पितरगण वहां बैठे हुए, सब प्रेत योनि में जा रहे हैं। वो आपको भी ले, प्रेत योनि में ले जाने के लिए आपके पीछे आगे पीछे घूम रहे हैं। उनकी भी सदगति करिए, अपनी भी सदगति करिए। हमने तो केवल मार्गदर्शन दिया है, बस। आपको जो मार्गदर्शन दे रहे हैं वो शास्त्रोक्त मार्गदर्शन है और बिल्कुल अनुभव सिद्ध है। सारे श्रद्धालुओं के जो अनुभव है ये प्रत्यक्ष अनुभव है और इससे आपको सीखना चाहिए।
ये अनिल गुप्ता जी का एक मैसेज आया, उन्होंने कहा कि मैंने तीनों स्तोत्र रक्षा शिव रक्षा मार्कंड महामृत्युंजय काल भैरव एक्सपर्ट पाठ किया एक ही बैठक में 8 बजे से सुबह 6 बजे तक, निर्विघ्न पूर्ण हुआ, न नींद आई न समस्या। क्यों? क्योंकि इन्होंने कवच पहले कर लिया था, शिव रक्षा कवच। अब जो आशीर्वाद है हमारे, तो भाई चलो हम तो भावनाएं आपके साथ सदैव ही है, जिसका भाव रहेगा वहां पर प्रभाव रहेगा। जहां जिनको भावना है कि नहीं गुरु जी का आशीर्वाद है, स्वामी जी का भाई मार्गदर्शन मिलता है, जो भी ये सूक्ष्म सुरक्षा रहती है, तो उनको उनके भाव के अनुसार फल मिलता है। प्रज्ञा चौधरी जी कैसे जुड़े? चैनल पर वेबसाइट बनने, वेबसाइट देखिए, स्वामी रूपेश्वर डॉट इन वेबसाइट दिखा करें, उसमें सारी डिटेल्स दी हुई है। और स्वामी रूपेश्वरानंद चैनल पर बहुत सारे अन्य वीडियो हैं, वो भी देखें। और बजरंग बाण, जो 108 पर बजरंग बाण है, आपको रविवार ही है बजरंग बाण अभियान के अंतर्गत जुड़े, ये जन जन तक घर घर तक पहुंचाइए। क्योंकि बाहर से आप कितना भी भौतिक विकास कर लेंगे, जब मन अशांत हो, शरीर में ये सब प्रेत पिशाच बैठे हो, तो कहाँ सुख। अशांतस्य कुतः सुखम्, अशांत मन, दुखी मन, तो सारी चीजें होकर भी क्या क्या सब आपको सुख देगा। लोगों की बिल्डिंग बहुत सुंदर है, घर मकान सुंदर है, अंदर से सब अशांति भरी भरी हुई, तो इससे आपको मुक्त करने का ये अभियान है, बजरंग बाण अभियान। बजरंग बाण अभियान के माध्यम से आप आगे बढ़ते रहिए। अब होली के लिए हम आपको मार्गदर्शन करेंगे, इस बीच में एक दो स्तोत्र हैं वो भी हम अपलोड करेंगे, जिसके लिए श्रद्धालुओं ने जो मार्गदर्शन चाहा है उनको ये भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो ठीक है, आज इतना ही, 1 घंटे का लाइव हो गया, समय दे दिया हमने। कल पुनः जो नई चर्चा होगी किसी अन्य विषय पर, आप लोग साधनात्मक रूप से आगे बढ़े, हम आपको बराबर निरंतर मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो आज इतना ही। नारायण नारायण।